अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू। कैलकुलेट सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू, तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द एसोसिएशन रूल माइनिंग। वहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू के। तो सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक डेटा सेट कह लो, ठीक है, कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, पांच आईडीज अवेलेबल हैं और उनमें कुछ आइटम सेट्स अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपने सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ हमारे पास जो है वो रूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मिल्क एंड डैपर, मिल्क एंड ब्रेड बियर ब्रेड, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फर्स्ट वाले आइटम जो हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है मिल्क एंड डैपर वाली, इसका मुझे सपोर्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सपोर्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर पहले डिस्कस किया था कि अगर हमें सपोर्ट कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मिल्क एंड डैपर कितनी बार आ रहा है अपने आइटम सेट्स में, तो एक साथ, तो यहाँ पर आ रहा है, नहीं यहाँ पर आ रहा है, जी हाँ, एक एक आईडी में आ रहा है, दूसरी आईडी में आ रहा है और तीसरी आईडी में आ रहा है, एक साथ, मतलब तीन बार आ रहा है एक साथ। तो सपोर्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है हमारे पास, 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो हमारे पास 60% में वैल्यू आ गई। नाउ हमें मालूम करना है कॉन्फिडेंस वैल्यू। कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे मालूम होगी, कॉन्फिडेंस वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस वैल्यू का फॉर्मूला था कि अगर हमें ए इम्प्लाइज बी का कॉन्फिडेंस मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला होगा सपोर्ट ऑफ ए इम्प्लाइज बी डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ ए। तो हमारे पास ए इम्प्लाइज बी का जो सपोर्ट वैल्यू आई थी वो आई थी 60%, यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए, यानी कि मिल्क की सपोर्ट वैल्यू क्या आएगी, मिल्क टोटल हमारे पास कितनी बार आ रहा है पहले तो ये देखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 5 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.8 और इस इक्वल्स टू 0.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आ गया हमारे पास 75%। इस तरह से हमने सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू मालूम की है फर्स्ट नंबर रूल की। अगर मुझे इसकी मालूम करनी है मिल्क एंड ब्रेड की, तो वो कैसे मालूम होगी, तो उसके लिए पहले तो हमें देखना है कि मिल्क और ब्रेड टोटल हमारे जो आइटम्स हैं उसमें कितनी बार साथ में आ रहा है। मिल्क एंड ब्रेड एक बार, मिल्क एंड ब्रेड दो बार, मिल्क एंड ब्रेड तीन बार, तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास 5 है, तो 3 डिवाइड बाय 5 आंसर आ गया हमारे पास सपोर्ट वैल्यू का 60%, 0.6 आया था मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100, 60%। कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे मालूम करनी है, सपोर्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए, यानी कि ए यहाँ पर है हमारे पास मिल्क, तो उसका आंसर था हमारे पास 0.8 मिल्क, यानी कि कितनी बार आया है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 टाइम्स आया है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5 हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.75, तो ये आ गई कॉन्फिडेंस वैल्यू। इसी तरह से हमने थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ये दिया गया है मिल्क कॉमा ब्रेड कॉमा बियर, इसकी सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। नंबर 3 पर कैसे मालूम करी है, मिल्क ब्रेड और बियर टोटल कितनी बार आया है हमारे आइटम सेट में, टोटल ये आया है मिल्क ब्रेड एंड बियर, मिल्क ब्रेड एंड बियर एक बार, मिल्क ब्रेड एंड अच्छा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है हमारे पास 5, तो हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाय 5, आंसर आ गया हमारे पास 0.2। इसी तरह से कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे मालूम की है, सपोर्ट ऑफ होल थिंग यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए यानी कि मिल्क, तो मिल्क की सपोर्ट वैल्यू थी हमारे पास 0.8, तो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 0.25 मल्टीप्लाई बाय किया 100 से, 25% कॉन्फिडेंस वैल्यू इसकी आई है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेड का सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मालूम करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, टोटल ब्रेड हमारे पास कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 0.8,
कॉन्फिडेंस कैसे मालूम करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय ब्रेट, हमारे पास की जो सपोर्ट वैल्यू थी वो 0.8 थी, तो इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100%। तो इस तरह से आप लोग जो है वो सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यूज मालूम कर सकते हो अपने जो है वो डेटा सेट को यूज़ करते हुए। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू मालूम कैसे करनी है और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं वो हमने पिछली वीडियो में भी देख लिए थे, और इस वीडियो में भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है जो है वो सपोर्ट का फॉर्मूला, और ये हमारे पास है कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, मिल्क और डायपर की वैल्यू जो है वो हमने डिटेल में यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इसको भी देख कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।